आप पहली बार देख रहे होंगे मुंबई की लोकल ट्रेन में इतनी खाली जगह। तो ये आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि मुंबई की लोकल ट्रेन में इतनी सारी खाली जगह कैसे हो सकती है। तो ये शाम का टाइम होता है और आज संडे होता है, तो शाम के टाइम पे संडे के दिन आज पता नहीं कैसे, हमें भी नहीं समझ में आते, अचानक से इतनी खाली ट्रेन मिलती है। वैसे हम जा रहे हैं बोरीवली, तो पहुँच जाते हैं हम बोरीवली। बोरीवली पहुँच के यहाँ पर देखते हैं तो इस रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ ना मात्र की होती है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, ट्रेनें खाली होती हैं। और शाम 7 बज जाते हैं हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते। शाम को 7 बजे जब पहुँचते हैं तो ये करोड़ों आबादी वाला शहर अपने रोशनी में और चकाचौंध में मस्त, लोग यहाँ पे दिन हो या रात लोग यहाँ हमेशा भागते रहते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक लोग यहाँ मेट्रो में सॉरी ट्रेनों में आना जाना इनका लगा रहता है। काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन होता है मुंबई का, यह एक बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। यहाँ पर आप दोनों साइड से उतर सकते हो, रेलवे की एक साइड है बोरीवली वेस्ट, दूसरी साइड है ईस्ट और वेस्ट। तो ट्रेनों का सिलसिला लोकल ट्रेन हो या पैसेंजर ट्रेन हो या एक्सप्रेस हो या सुपर फास्ट, मालगाड़ी छोड़ के लगभग सारी ट्रेनें यहाँ पे आती हैं और दिन भर रात भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। चकाचौंध और रोशनी से जगमग ये शहर और ये रेलवे स्टेशन मुंबई की खूबसूरती को बढ़ा देता है। कुछ देर रेलवे स्टेशन देखने और घूमने के बाद हम निकलते हैं अपने आगे मंजिल की तरफ। आपको पहले थोड़ा रेलवे स्टेशन बाहर से दिखाते हैं। ये बोरीवली का रेलवे स्टेशन बाहर का सीन है। यहाँ से आपको अलग अलग जगह पे जाने के लिए आपको बस मिल जाएगी, ये समझ लीजिए बस स्टैंड ऑटो स्टैंड यहीं पे है। आप आइए अच्छे से बार्गेनिंग कीजिए लोगों से और बस कंडक्टर से, देखिए यहाँ पे बस लगी हैं तो यहाँ पे आपको बस मिल जाएगी कहीं पर भी आने जाने के लिए। और आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं लगभग मिली जाएंगी, खाने पीने को सबके लिए। तो आप अलर्ट रहें नहीं तो आपका जेब कट सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।